बड़ी खबर के साथ करेंगे चुनावी बुलेटिन की शुरुआत। कैराना में हार के बाद बीजेपी में हाहाकार मचा हुआ है। पार्टी में ही एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। सीएम योगी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले हम उन दो सांसदों की बात आपको सुनवाते हैं जो कैराना के हार को लेकर उलझ गए हैं। देखिए, मरगांका जी से पूछेंगे तो जितनी मेहनत मैंने की वो बता सकती हैं। दूसरी बात, मैं स्टार प्रचारक नहीं था। जिस तरह से सांसद भारतेंद्र सिंह है, उसी तरह से पड़ोस का सांसद संजीव बालियान है। मुझे खुशी होती अगर वो एक या दो दिन वहाँ देते। मैं स्टार प्रचारक नहीं था, मैं कार्यकर्ता के तौर पर काम किया। मेरी कोई जनसभा नहीं हुई, मैं कोई ऑफिशियली पार्टी का प्रभारी नहीं था वहाँ पर, लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, चूँकि इसी पार्टी की वजह से मैं सांसद हूँ, पूर्व में मंत्री रहा हूँ, इस पार्टी की वजह से मेरा वजूद है भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए मैंने काम किया जाकर। शायद वो चूँकि राजा हैं, बड़े परिवार से हैं, मैं आम किसान परिवार से हूँ, तो उन्हें ऐसा लगता हो कि आम चुनाव में इस तरह से घर घर घूमना उनकी शान के खिलाफ है। संजीव बालियान और भूपेंद्र सिंह को अगर स्टार प्रचारक नहीं बनाया जाता तो क्या होता? ऐसा नहीं है अगर स्टार प्रचारक नहीं बनाया जाता। मेरा मानना है कि इनके साथ कुछ लोग ऐसे ज़रूर जोड़ने चाहिए थे जो बार बार चुनाव जीत रहे हैं, जो कि ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, इन्हें भी बनाइए। मगर अन्य लोग जो चुनावी जो चुनाव जीतते हैं, भूपेंद्र सिंह जी भी 3 दफ़ा चुनाव लड़े, हार गए, अब उन्हें बना दिया। संजीव जी वेटनरी डिपार्टमेंट हरियाणा में थे, अभी अभी आए हैं, तो आते ही एमपी का टिकट मिला, राज्य मंत्री बने, राज्य मंत्री के बाद अब उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया। तो जो लाभ हमें इन नेताओं से मिलना चाहिए था, अगर वो लाभ मिलता हमें, तो निश्चित रूप से जैसे शामली सीट में जाट बहुल्य सीट है, उसमें निश्चित रूप से हमें ज़्यादा वोट मिलना चाहिए। दरअसल इसकी शुरुआत विधायकों ने की। योगी सरकार पर सिस्टम पर और साथ ही नेतृत्व के कामकाज पर सवाल उठा दिए। फेसबुक पर कविता के जरिए हमला किया गया और घर का झगड़ा बाहर निकल आया। हार के वो कारण समझिए जिसने बीजेपी के घर में आग लगा दी है। कि मोदी राज में बनी सरकार और जनता के नहीं हो रहे हैं कोई काज। जनता और भाजपा के कार्यकर्ता दोनों त्रस्त है। हार के पीछे शुद्ध रूप से कर्मचारियों और अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार और समाज को परेशान होना, परेशान करने की जो नियत है, इसी के चलते हम लोग हार रहे हैं। उस समय हम लोगों को ये घमंड था कि हम लोगों को कोई हरा ही नहीं सकता, और कैराना हम लोग हारे हैं तो समीकरण, जहां दो दिलों की मुलाकात होगी जुबां चुप रहेगी मगर बात होगी। कैराना लोकसभा सीट के उपचुनाव में बीजेपी अभी हार के सदमे से बाहर निकली भी नहीं थी कि घर में ही हार पर हाहाकार शुरू हो गया। गोपामाऊ से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश की ये कविता देखिए, जो सीधे सीएम योगी पर सवाल खड़े कर रही है। मोदी नाम से पा गए राज, कर ना सके जनता मन काज, संघ संगठन हाथ लगाम, मुख्यमंत्री भी असहाय, समझदार को ये है इशारा, आगे है अधिकार तुम्हारा। विधायक श्याम प्रकाश ने कविता में योगी पर निशाना साधा तो बलिया से विधायक सुरेंद्र सिंह और योगी के मंत्री राजभर ने हार के लिए करप्शन को जिम्मेदार बता दिया। और हमारे नेता वर्ग को अब संदेश एक बढ़िया चला गया कि तहसील तहसील और ब्लॉक और जब तक थाने ठीक नहीं होंगे, समाज में अच्छा संदेश जाने वाला नहीं। तो लोग कह रहे हैं कि गन्ना जिन्ना पर भारी पड़ गया। नहीं, देखिए, जिन्ना तो जब जब पिछड़ों दलितों और अल्पसंख्यकों की आवाज उठी है, तब तब कोई न कोई जिन्न पैदा हो जाता है। कैराना में हार पर बीजेपी में ब्लेम गेम का कोहराम तो आपने देखा, अब आपको वो वजह बताते हैं जो योगी की हार की हैट्रिक की असल वजह बनी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की हिम्मत नहीं कि वे यहाँ आकर के चुनाव प्रचार में भाग ले सके। निर्दोष लोगों की हत्या से इनके हाथ सने हुए है। याद कीजिए कैराना में योगी का ये बयान। सीएम योगी ने कुछ इसी अंदाज में प्रचार के दौरान मुस्लिम बहुल कैराना में ध्रुवीकरण की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बनी। यानी जो चीज का कोई रेलेवेंस नहीं है, उन चीजों का बात करके कभी इनके बोलते थे कर्नाटक में कि ये इलेक्शन जो है राम का और अल्लाह का है, मतलब वाहियात किस्म की बातें। अब देखिए ये तस्वीर। ध्रुवीकरण की कोशिश में कैराना से पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की ये तस्वीर जैसे बहस का मुद्दा बन गई, लेकिन कैराना में आरएलडी ने तस्वीर का जवाब गन्ने के इस पोस्टर से दिया और पोस्टर में जो लिखा था
जिन्ना नहीं गन्ना चलेगा, हुआ भी वही। सारा विपक्ष आज इन चुनावों के माध्यम से विपक्ष के जो अंदर छुपी हुई भावना थी उसका खुलासा हुआ है। वो इन 50 दलों का महागठबंधन की मिश्रित अवसरवादी राजनीति की पोषक ये विचारधारा होगी। बीजेपी कैराना में हार की वजह महागठबंधन के फॉर्मूले को भी बता रही है, लेकिन असल में बीजेपी को खुद गुर्जरों के वोट नहीं मिले। थाना भवन, नकुर और गंगोह में गुर्जरों ने बीजेपी को वोट नहीं दिए। बीजेपी की हार की वजह उसके कुछ साथी पेट्रोल डीजल की महंगाई को भी बता रहे हैं। पेट्रोल की डीजल की बढ़ी हुई कीमतें ये मुख्य कारण हैं कि हम लोगों को झटका लगा है। गोरखपुर और फूलपुर की हार को योगी ने अति आत्मविश्वास की गलती बताया था, लेकिन कैराना उपचुनाव में बीजेपी के पास पूरा वक्त था। योगी ने भी प्रचार में पूरी जान झोंक दी थी, लेकिन अब हार की हैट्रिक लगी है तो हाहाकार मचेगा ही। दरअसल हार पर बीजेपी के घर में हाहाकार इसलिए मची हुई है क्योंकि गन्ना मंत्री सुरेश राणा के क्षेत्र में मृगांका पिछड़ गई। गन्ना हार की वजह मानी जा रही है। रिपोर्ट कार्ड देखिए इस विधानसभा क्षेत्र का, आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल पूरा मामला है क्या। गन्ना मंत्री सुरेश राणा के क्षेत्र थाना भवन विधानसभा में मृगांका को 70,602 वोट मिले, जबकि तबस्सुम हसन को 84,409 वोट मिले। इस क्षेत्र में बीजेपी 14,000 से हारी। तो वहीं दूसरी तरफ इसी तरह राज्य के आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी की सीट नकुड़ में तबस्सुम हसन को 1,14,341 वोट मिले, जबकि बीजेपी की मृगांका सिंह को 86,224 वोट मिले। यहां 28,117 वोट से बीजेपी हारी। ये दोनों मंत्री अपने अपने क्षेत्र में बीजेपी को जिता देते तो फिर सीएम योगी को इतना सुनना नहीं पड़ता जितना इस वक्त योगी आदित्यनाथ सुन रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।